जब कुदरत अपना रूप दिखाती है तो रूह कांप जाती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ जमीन से हजारों फीट ऊपर, और इस क्रैश में जो पैसेंजर बचे थे उनके पास बचने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर और यारों दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 571 की कहानी, चाहे आप इसे दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहो या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को। साउथ अमेरिका के यूरुग्वाई देश से एक चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरता है जिसको सैंटियागो में पहुंचना है। इस प्लेन में बैठे हैं रग्बी प्लेयर और उनका मैच देखने जा रहे हैं उनके फैमिली मेंबर और उनके रिलेटिव्स और उनके यार दोस्त। प्लेन में टोटल 45 पैसेंजर हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर हैं। ये फ्लाइट 3 घंटे में अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसको एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से आगे चल के मौसम खराब मिलता है, इस वजह से इस फ्लाइट को रास्ते में ही अर्जेंटीना के मेंडोजा में स्थित एक एयरपोर्ट पे लैंड कराया जाता है। ये फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। लेकिन परेशानी ये है कि अभी भी मौसम खराब है, लेकिन अच्छी बात ये है कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वो इस रूट से पहले भी 29 बार उड़ान भर चुका है, इस वजह से उसे पूरा आइडिया है कि इसे एंडीज के पहाड़ों से कैसे क्रॉस कराना है। पायलट के कॉन्फिडेंस से ये फ्लाइट 13 अक्टूबर को 2:18 पे उड़ान भरती है। यहाँ से सैंटियागो पहुँचने में सिर्फ 1 घंटे का रास्ता बचा है और पायलट को पूरा भरोसा है कि वो 1 घंटे बाद सैंटियागो में सही सलामत पहुँच जाएंगे। ये प्लेन लगभग 18,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार करता जा रहा था, लेकिन आगे चलकर मौसम और खराब होता गया जिस वजह से विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अगर मौसम साफ होता तो आसपास की पहाड़ियों को देखकर आइडिया लगा लेता कि प्लेन कहाँ है, लेकिन इस समय पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट पर ही निर्भर थे, क्योंकि पायलट को पता था कि वो 1 घंटे में सैंटियागो पहुंच जाएंगे। इसीलिए वो अपनी लोकेशन का आकलन करता रहा और 1 घंटे बाद जब उसे लगा कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को क्रॉस कर लिया है, तो उसने सैंटियागो एयरपोर्ट पर एटीसी से लैंड कराने की परमिशन मांगी। एटीसी ने पूछा, क्या आपने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है? पायलट ने कहा, हाँ हमने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है। एटीसी भी पायलट द्वारा दी गई लोकेशन पर ही निर्भर थी, तो एटीसी ने प्लेन को लैंड कराने की परमिशन दे दी और पायलट से कहा कि आप प्लेन को 11,500 के एल्टीट्यूड पर ले आइए। 3:21 पर पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को धीरे धीरे घटाने लगा। जैसे ही प्लेन नीचे आता है तो पायलट को दिखाई देता है कि भी तो एंडीज की पहाड़ियां ही चल रही हैं और सामने एक बहुत बड़ी चट्टान है। जल्दी से पायलट प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन को ऊपर उठाते उठाते प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और वो टूट कर अलग हो जाता है। प्लेन का पिछला हिस्सा खत्म होने की वजह से जो पीछे की सीटें थी वो यात्रियों सहित हवा में उड़ जाती हैं और 3 पैसेंजर हवा में ही उड़कर खत्म हो जाते हैं। टकराव में प्लेन का राइट विंग भी टूट चुका था, जिस वजह से प्लेन डिसबैलेंस हो जाता है और इस वजह से उसकी दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकराती है और दोनों विंग टूट जाती है। अब केवल प्लेन का फ्रंट पार्ट ही बचा था जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग अभी भी जिंदा हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बहुत ही जख्मी हालत में हैं, जिनका बचना लगभग नामुमकिन है और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो इस समय कहां पर हैं। ये क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 5,370 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा हुआ है। क्या वो इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे या फिर नहीं, ये कोई नहीं जानता। अभी तक जो हुआ वो महज एक छोटा सा ट्रेलर था। इस फ्लाइट की असली कहानी तो अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चल के इनके साथ क्या होने वाला है। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियाँ अब इन पर कहर बनकर बरसने वाली हैं। इनके आगे की स्टोरी जानकर आपके रूह तक कांप जाएगी। घायल हुए पैसेंजर में एक पैसेंजर था नांदो परातो, जिसके सिर में चोट आई थी जिस वजह से वो कोमा में चला गया। परेशानी ये थी कि जल्द ही सूर्य ढलने वाला था और शाम होने वाली थी, इस वजह से रेस्क्यू टीम के पास उनको ढूंढने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था।
था, पर बाई चांस अगर अंधेरा होने से पहले उनको नहीं बचाया गया तो इस बर्फीली पहाड़ी पर रात गुजारना लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। जल्द ही रेस्क्यू के लिए 4 जहाज रवाना करे गए। इन चारों जहाजों ने एंडीज की पहाड़ियों को छान मारा, लेकिन इन्हें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि प्लेन ऐसी जगह पर क्रैश हुआ था जहाँ सफेद बर्फ और घना कोहरा था, और प्लेन भी सफेद रंग का था, जिस वजह से ऊपर से देखने पर रेस्क्यू टीम को क्रैश साइट का अंदाजा ही नहीं हो पा रहा था। देखते ही देखते रात हो गई और उस दिन रात भर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। बचे हुए पैसेंजर को एक उम्मीद थी कि वो कैसे भी करके आज की रात काट लें, कल तो उन्हें कोई ना कोई बचा ही लेगा, और उन्होंने क्रैश पड़े प्लेन में शेल्टर बनाया और रात गुजारी। ये रात इनके लिए बहुत भयानक थी कि आज की रात इन्हें -30 डिग्री सेल्सियस में गुजारनी है, लेकिन इनके पास एक उम्मीद है कि कल इन्हें कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा। इस उम्मीद में ये इस रात को कैसे भी करके काट लेते हैं, लेकिन 5 लोग इस रात को नहीं झेल पाते और अब जिंदा बचे लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 हो जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।